दसवंती संस्था जां सिद्धांत दान दे नाल आम तौर पर जुड़िया है। दान का मतलब होंदा देना, और हिंदू धर्म के विच देवते इष्ट मनिया जाता। देवते का मतलब होंदा देण वाला, जिहड़ा भी दिंदा है वो देवता है। इस करके उसकी पूजा आराधना होनी चाहिए है, उसके प्रति धन्यवाद कृतज्ञता दिखाने वास्ते उसका आदर करना है। उन्नी देर तक किसी सिद्धांत की सही सही समझ नहीं आ सकती जदों तक उसकी बैकग्राउंड ना समझी जाए। जे असी दसवंत की अज गल कर लगे हाँ तो सानू थोड़ा जा पिछे झाकी मारन की लोड़ है कि सिख धर्म तो पहला दान बारे किस तरह की विचार प्रचलित सी। वेदां दे विच बलियां देण की गल, बलिदान की गल बड़े जोर शोर नाल होंदी, और जे असी वैदिक धर्म की गल करिए सानू यह गल समझ आउंदी है कि हिंदू धर्म दे विच सुसाइडल टेंडेंसी बहुत है। सुसाइडल टेंडेंसी किवें, औरत नूं पति दे मौत दे नाल सती हो जाना चाहिए, यह भी वड्डा दान मंनिया गया। और जिहड़ी औरत सती हो जाती सी उहदे बारे यह कहा जाता सी कि इस स्वर्गां च पक्की जाएगी। पर औरतां कई वारी तां मजबूरी बस सती हुंदियां सन, परंतु बहुती वेर वह स्वर्ग जाण दे चाच भी सती हो जाती। इस तरीके सुसाइडल टेंडेंसी जी है वह कहा जाता कि बनारस के कारा लाया हुआ, और उत्थे भगत जिहड़े सन भगत परमात्मा के प्रथाए अपने आप को कटवा लेंगे सन। और यह मनिया जाता सी कि जिहड़ा उस आरे के नाल चीरिया जाएगा बनारस के हवाला गुरबाणी के लिए मिलता, करवत भला ना करवत दे स्वर्ग की गरंटी दी जाती सी। जी जगन्नाथ पुरी के यात्रा निकलती है की कहते हाँ रथ यात्रा, ए जे वीर ने रथ के बड़े बड़े वे वीर ने उन्होंने थले लोग अपने आप को कटवाने लिए पेश कर देंगे। और मानते सन कि जोड़ा ये थले आ जाएगा वो बड़ा बड़ा भागी है कि वह जगन्नाथ के रथ के थले आके मारे। तांत्रिक मत ने भी हिंदुस्तान के बड़ा प्रभाव छड़िया, और तांत्रिक मत के हर तरह की बलि का दान दिता जाता है। इतों तक कि नर बलि भी जी है उत्थे दिती जाती। अज तक भी असं ये खबर कितने ना कितने पढ़ते हैं कि फलाने ने देवी नूं प्रसन्न करने वास्ते किसी के बच्चे की बलि दे, ये आम प्रैक्टिस अजे तक चोरी छिपे चल रही। और शहरों के नगर के बहुत सारे बच्चे गुम जाते हैं जेडे कभी भी नजर नहीं आते, बाद पुलिस रिपोर्ट जिनी मर्जी करवा लो लभदे नहीं। आस की जाती है, एक शक यह भी है कि वह तांत्रिक जड़े ने उन्होंने बच्चों बलि के रूप में चढ़ा दिया। गल इतने भी रुकी ने, एक शब्द बड़ा प्रचलित होया कन्या दान, कि अपनी बेटी का दान देना। अजकल विआह होंदा तो उत्थे लिखा होंदा कन्या दान करेगा बाप। औरत नूं एक वस्तु बना लिया गया और पिता नूं अधिकार दे दिता गया
क्योंकि वस्तु का अधिकारी वो है जिन्हों चाहे वह दान कर दे। और दक्षण के विच इस कन्यादान का असर यह देखने मिलिया कि उत्थे देवदासियों की प्रथा चल देवदासियां वो औरतां हुंदियां सन जिन्हां नूं उन्हां दे मापिआं ने मंदर के पुजारी के हवाले कर दिता हुंदा सी और पुजारी उन्हां दा हर तरीके नाल शोषण करदे सी। और मैं खास करके गुरसिखां नूं बेनती करांगा कदी भी अपने घरां च कन्यादान शब्द ना वरतो, ये बड़ा डेंजरस शब्द है। असी लड़की व्याहुंगे दान नहीं दे, हिंदुस्तान दे विच दान नूं कीवें पेश कीता गया इसकी एक एग्जाम्पल मैं दवांगा। गुरु नानक साहब दे कंटेंपरेरी संत होए ने भारत दे विच वल्लभाचार्या, वल्लभाचार्या दा समा है 1479 तो 1531 तक। गुरु नानक साहब के समय च गुजरात मध्य प्रदेश और राजस्थान के इन्हां संतां का बड़ा प्रभाव सी। वल्लभाचार्या जदों चलाणा कर गए तो इन्हां दे 84 प्रमुख शिष्य सन, 84 उन्हां शिष्यां ने जिहड़ी प्रैक्टिस शुरू की थी, वो मैं समझदा धर्म के नाम उपर कलंक है। उन्होंने की किया कि जिसने वो अपने आप को महाराज सताते सताते लोग उन्होंने महाराज कहते 84 जो प्रमुख शिष्य सन, जिस व्यक्ति ने महाराज के दर्शन करने ने उसकी फीस मुकर्र कर दी 5 रुपए, उन्होंने दिनों के 5 रुपए। जिन्हें उस महाराज का स्पर्श हासिल करना ओदी फीस जमा हो गई 20 रुपए। और जिसने उस महाराज के चरण धोने ने उन्हें 35 रुपए दान वजो उन्हें देने पैण। और इसे तरीके झूला चलाने की सेवा जी है वह 40 रुपए रखी गई सी। इस तरीके दान के नाम के उपर शोषण सिर्फ भारत की तस्वीर नहीं है, जे असी वैसट की गल करिए उन्होंने दिन सुनिया होगा गुरु नानक साहब का ही कंटेंपरेरी एक जर्मन का संत पैदा होया, उसका नाम सी मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर वही व्यक्ति है जिसका गाना तुसी कई बार सुनते हो रेडियो के उत्ते, हम होंगे कामयाब एक दिन, यह उहदा लिखा होया गाना है। बड़ा रेवोल्यूशनरी संत सी और इन्हें की रेवोल्यूशन किया सी, जिहड़ा रोम का पोप सी जिहड़ा के कैथोलिक चर्च का गुरु मनिया जाता है, उन्हें उन्हां दिनां दे विच कह दिता कि जेकर किसी को कोई अपराध हो गया तो हर अपराध के बदले एक फीस मुकर्र कर दी। फॉर एग्जाम्पल जे कतल कर दिता है तो $20 जमा करवा दे, जेकर किसी को रेप हो गया तो $15 पोप नू दे दे। पोप की करता सी वो फीस लैके एक सर्टिफिकेट दे दिता सी कि इहदे उत्ते कोई मुकदमा ना चलाया जाए क्योंकि इन्हें चर्च नू दान कर दिता है। तो इस तरह जिहड़े अपराधी लोग सन उन्होंने हौसले बड़े बुलंद हो गए और जो पुजारी लोग सन उन्होंने घर जान के भर लगे।